हेलो दोस्तों, मैं हूं राम के और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे लैपटॉप में माय कंप्यूटर को डेस्कटॉप पर कैसे लाएं विंडो 11 में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, विंडो 11 में लैपटॉप पर जो माय कंप्यूटर होता है, लेकिन ये जो है विंडो 8 में था, विंडो 10 में माय कंप्यूटर को बदलकर दिस पीसी कर दिया गया। अब ये जो है तभी से विंडो 10 में भी दिस पीसी था और विंडो 11 में भी दिस पीसी है। तो दिस पीसी जो आइकॉन डिलीट हो गया है या फिर गलती से रिमूव हो गया है, हाइड हो गया है, तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों ये मेरे जो लैपटॉप है यहाँ पर, सॉरी ये कंप्यूटर है, यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस पीसी है। अभी मैं इसको मान लीजिए कि मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया है। और यहाँ पर ये रिसाइकल बिन है, इसमें हम ओपन करते हैं, तो इसमें जो है आपको दिस पीसी तो दिखेगा नहीं क्योंकि दूसरी सारी फाइलें यहाँ पर है। दिस पीसी यहाँ पर नहीं दिखता है क्योंकि दिस पीसी जो है पूरा एक तरह से अलग तरीका का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। हम चाहे तो इसको मान लीजिए कि हमने अगर रिसाइकल बिन को भी डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इस पर हम क्लिक करके अगर इसको चाहे तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट होता नहीं है और पहले डिलीट हो जाता था। अभी क्या करना है कि देखिए, हमें जो है अपने लैपटॉप में दिस पीसी आइकन को या माय कंप्यूटर को वापस लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखिए सिंपली आपको जो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जा सकते हैं, ये जो है विंडो का स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो सेटिंग है, इस पर सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। ये सेटिंग पर क्लिक करना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, दूसरे सेटिंग में टास्क बार सेटिंग में जाना, आपको सिर्फ विंडो की सेटिंग में जानी है। विंडो की सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पर्सनलाइजेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और इसमें आपको थीम वगैरह भी आपको दिखाई देगा, तो थीम वाले आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही थीम वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है कई सारे मतलब थीम वगैरह मिल जाएंगे, जहां से आप जो है अपने लैपटॉप में थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको रिलेटेड सेटिंग दिख रहा है, रिलेटेड सेटिंग में ही आपको डेस्कटॉप आइकन जिसमें जो है माय कंप्यूटर या दिस पीसी होता है वो सब कुछ रहता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आते हैं इस पर, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन में क्या क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर जो पहले दिस पीसी था, कंप्यूटर यूजर फाइल्स कंट्रोल पैनल एंड यहाँ पर नेटवर्क, ठीक है। हम यहाँ पर चाहे तो कंट्रोल पैनल भी ऐड कर सकते हैं, पहले के विंडो 7 में, विंडो 8 में ये सभी जो था, अब विंडो 10 में भी लोग रखते हैं, लेकिन अभी विंडो 11 में कोई भी रखना नहीं चाहता। सीधे जो है रिसाइकल बिन और कंप्यूटर ही यहाँ पर आपको डेस्कटॉप आइकन पर मतलब डेस्कटॉप पर आपके मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर सेलेक्ट करना है एंड दोस्तों इसमें से जो भी आइकॉन आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस पीसी आइकॉन रखिए एंड उसके बाद से आप चाहे तो यहाँ पर आइकन भी इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहे तो इसका आइकन जो है अलग टाइप से रख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको मिल, मान लीजिए इस तरह का रखना चाहते हैं तो ये भी रख दीजिए, ये भी चलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर आइकॉन सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर दिस पीसी आइकॉन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो दिस पीसी आइकॉन यहाँ पर आ चुका है एंड इसको ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करके इजिली से जो भी हम चाहें तो अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि माय कंप्यूटर में करते थे या फिर दिस पीसी में करते थे। इस तरीके से तो आप लोग जो है सभी डेस्कटॉप आइकॉन जो है वापस ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सेटिंग दी गई है। आप चाहे तो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो सभी जितने भी आइकन्स हैं वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे अगर आपके कंप्यूटर से ये आइकन जो है डिलीट हो चुके हैं।